भारत के स्वतंत्र, भारत को स्वतंत्र मिलने के लिए अनेक लोग शहीद हो गए, लेकिन आज जो आतंकवादियों को मारने के लिए अपने लोग शहीद हो रहे, इसके लिए जो आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया स्वतंत्र दिन के अवसर पर, मैं आयोजक का मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ। और जो नई पीढ़ी है, इन नई पीढ़ी को अपना इतिहास क्या है, अपने अपने को स्वतंत्र कैसा मिला, उसमें अपन जो संगीत के द्वारा में लोगों को सुनाते हैं, इसका ही परिणाम बच्चों पे होता है। आज दुनिया में हर चीज़ अपन खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार खरीद नहीं सकते। ये संस्कार, यही एक प्रबोधन का आयोजन है। शहीदों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, आज स्वतंत्र दिवस का दिन है, उस दिन के अंदर इतना बड़ा अच्छा शानदार कार्यक्रम हम लोग कैसा कर रहे हैं। इस हॉल में हजारों लोग आए और सभी लोगों को खुशी हो गई। और सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी के, जो गांधी जी के साथ में देश की लड़ाई लड़े, ऐसे स्वतंत्र सेनानी को आज पहुँच के लाए और उनके साथ में सभी लोगों को खुशी हुई। अपनी बातें रखी किस तरह से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद करने के लिए किस तरह से सभी लोगों ने कुर्बानी दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित ब्रिटिश मराठा हर समाज के लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद है, अगर आज़ाद हुए हमारी जबान आज़ाद नहीं होगी, हमको हमारी जबान भी आज़ाद रखना है। इस देश के अंदर जहाँ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, दबाया जाएगा, जुर्म होगा, उसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस मानवाधिक से आवाज उठाएंगे। क्योंकि आज जो हालात है, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, किसी का अधिकार नहीं मिल रहा है। देश आज़ाद के हमारे पुरखों ने शहीद हो गए, इतनी कुर्बानी दी और उनका सपना भी साकार नहीं, और सपना साकार करना है और वो सब मिलकर हम लोग करेंगे। कि आज भी जो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। आज देश आज़ाद हुआ, हमारे कई सपने थे कि इस देश में एक भी गरीब नहीं होगा, मगर करोड़ों लोग गरीब बनते जा रहे, कई बेरोजगार बनते जा रहे, कई कंपनियां बंद हो रही है। तो हम चाहते हैं कि देश आज़ाद के वक्त ये सबको बताया जाए कि सबसे बड़ी आज़ादी है रोजगार, सबसे बड़ी आज़ादी है हमारे देश में गरीबी हटाई जाए, और सबसे बड़ी आज़ादी है लगान जो ब्याज दिया जा रहा है, गरीबों को माफ़ नहीं किया जा रहा, ब्याज माफ़ करें, लगान माफ़ करें, तब हम समझेंगे सही आज़ादी होगी। हमारे पुरखों का सपना पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, लोगों के अधिकार के लिए, हक के लिए हम लड़ेंगे। और फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को, कुछ मीडिया सच्चाई सामने ला रही है, कुछ मीडिया सच्चाई सामने नहीं ला रहे। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि देश में जहाँ भी गलत हो रहा है उसको आगे लाने की कोशिश करें। समाज में बहुत हालत खराब है, कल ऐसा वक्त ना हो कि आपके ऊपर भी मुसीबत आए। और ऐसे कई मीडिया को मर्डर हो रहा है, कई मीडिया को मारा जा रहा है, कई मीडिया को दबाया जा रहा है, और इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मानवाधिकार सेल, मानवाधिकार का सेल का काम है, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आम समाज का इंसान हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। और आज हम वो अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, बस आपके सहयोग की जरूरत है। देश का विकास करना है, कब विकास होगा, जब गरीबी खत्म होगी। बस इतना ही कहते मैं दो बात खत्म करता हूँ। अजीत शेख साहब को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। आज हमने जो ये कार्यक्रम अपने संस्था के जन कल्याण सेवा संघ दीप किरण फाउंडेशन के माध्यम से कार्यक्रम किया, और मानवाधिकार कांग्रेस कमेटी जो है उनका जिलाध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से हमने कार्यक्रम किया। हमने यह कार्यक्रम लिया कि जो हमें देश के जो शहीद, देश के लिए जो शहीद हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरहद पर उनको देखने वाला कोई नहीं है, और उनके लिए आज हमने, उनके लिए जो जो शहीद है उनके लिए आज हमने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। और जो हमारे गांधी जी के साथ जो दो हरिदास जी थे, उनको हमने बुलाकर इधर सम्मान किया है, जो कि देश के लिए इन्होंने गांधी जी के साथ में जो जेल में थे, गांधी जी के साथ में जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने उनको इस मंच पर ला के यहाँ पर सबके सामने बताया कि ये भी है जो हमारे देश के लिए इन्होंने काम किया है। और इस संस्थाओं के माध्यम से हमने ये यहाँ के जितने भी पार्टी, शिवसेना हो, NCP हो, BJP हो, कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी को हमने एक मंच पर लाकर एक एकता का संदेश देने का प्रयत्न किया है। और हम चाहते हैं कि सभी पार्टियाँ एक होकर देश की लड़ाई लड़े, जबकि ना कि अपना खुद का स्वार्थ देखें, हम ये चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवसाच्या निमित्ताने आज दीपकिरण फाउंडेशनचा संस्थापक अध्यक्ष या नात्याने व जनकल्याण सेवा संघाचे अध्यक्ष अजीजभाई शेख यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज एक शाम शहीदों के नाम हा एक कार्यक्रम इथे संपन्न झाला। पहिले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अजीत शेख जी का और किरण मांजरेकर भाई का, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आज के दिन रखा, 15 अगस्त के दिन, जैसे कि इन्होंने कहा किरण मांजरेकर जी ने, जी का जो
भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया उनको, देश के लिए भी मैं एक आभार व्यक्त करता हूँ।